अब देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। ए बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और केसी सिन्हा में, और इसे आगे भी मतलब कि जो केसी सिन्हा में क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आपको केसी सिन्हा में मिलेगा। बाय द वे, अगर एनसीईआरटी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप लोग हमें बताइएगा, हम उसे भी सोल्व करके इसमें डाल देंगे, ठीक ना, इसमें इन कर देंगे। ऐसे बताने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, आपको 100% बन जाएगा। और फिर भी अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, हम पूरा प्रयास करते हुए इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो खतरनाक है तो डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग शेर हैं, शेर, और अब की बार बोर्ड को दौड़ा दौड़ा करके मारना है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने माध्यम में पढ़ा था कि वर्ग अंतराल के थ्रू वर्ग चिन्ह यानी एक्स हम लोग निकालते थे, वर्ग अंतराल के थ्रू वर्ग चिन्ह निकालते थे। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते थे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय टू करते हैं और एक्स हम निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वर्ग चिन्ह ही दे दिया है, एक्स दे दिया है, तो इससे हम पहले वर्ग अंतराल निकालेंगे। मतलब कि अगर वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं तो वर्ग चिन्ह से भी वर्ग अंतराल हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ देखिए। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, कितना कितना से बढ़ रहा है, आप बोलिएगा 5-5 से बढ़ रहा है, 35 से 45, नहीं 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है ना, 10 से बढ़ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आधा कीजिए, 35 से 45 हुआ 10 बढ़ा, 45 से 55 हुआ 10 बढ़ा, मतलब कि 10 10 10 10 बढ़ते जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं, उसको आधा कर दीजिए, काट दीजिए, तो बचेगा कितना, 10 को आप आधा कीजिएगा तो 5। अब इस 5 को क्या करना है ना, एकरा में एक बार घटाइए और एक बार जोड़िए, तो एकरा में एक बार घटाइएगा तो 30 आ जाएगा, एक बार जोड़ दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, एकरा में एक बार घटा दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, एक बार जोड़ दीजिएगा कितना, 5 5 तो 50 आ जाएगा। एकरा में एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए। अब देखिए, तो अगर हमारी बनावल सही है तो क्या करते थे, माध्य में एहनी दोनों के जोड़ के एकरा निकालते थे। देखिए तो 40 और 30 70 70 को 2 से भागा देते थे ना, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बाई 2, तो कितना 40 और 30 70 70 बटा 2 तो कितना 35। तो 35 को कहाँ एक्स वाला में लिखते थे, एक्स वाला में लिखते थे, ओकर बाद एफएक्स करते थे जो था, 50 और 40 90 2 से भागा देते थे 45, 60 50 110 2 से भाग देंगे 55। मतलब कि क्या समझे आप लोग, कि अंतर जितना के है ओकरा 2 से भाग दे के एक बार घटाइए एक बार जोड़िए कितना कितना 5 5 5 5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल निकल गया, बारंबारता हमारे पास है कौन सी, छोट का एक है ना, एकरा से हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ यानी एन बराबर निकालते हैं, यहाँ संचयी बारंबारता बढ़का एफ निकालते हैं। तो पहले वाले को तो जस का तस, दूसरा निकालने के लिए इसमें जोड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, तो 6 और 0 6 0 है और 2 और 2 4, एकरा में एकरा जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, 7 6 13 के तीर हाथ में एक तीर पर, एकरा में जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, 3 2 5 5 6, एकरा में एकरा जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, 5 5 10 की सुना हाथ में एक, 6 7 1
आठ, एकरा में एकरा जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अस्सी और दस नब्बे। अगर ये हमार जोड़ल सही है तो यहाँ पर भी नब्बे आना चाहिए। देखिए छ सात तेरह, तेरह दो पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, दो बचा है, दो दो चार, चार दो छ, सात आठ एक नौ। अरे हमारा यहाँ यहाँ आ गया, मतलब कि हमारा सही है। और जब सही है तो इसके बाद का प्रोसेस क्या था, माध्यक वर्ग निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे। अतः माध्यक, माध्यक वर्ग फाइंड करने के लिए, फाइंड करने हेतु, ठीक है। तो क्या करते हैं, एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू नब्बे बटा दो, नब्बे बटा दो क्या बार में पैतालीस, और इस पैतालीस को इससे अधिक, पैतालीस से अधिक को संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो पैतालीस से अधिक जैसे ही आप देखिएगा तो दूसरे के स्टेप में यही मिल गया। तो एकरा तो हम क्या करेंगे, घेर घार के रखेंगे, घेर के रखेंगे, घेर के, पैतालीस से अधिक, पैतालीस से अधिक छियालीस, सैतालीस, अगर छियालीस ना मिलता तो क्या सैतालीस अड़तालीस जो भी, लेकिन बड़ा देखना है, बड़ा यहीं पर मिल गया तो घेर लिए। अब क्या लिखेंगे, माधिका वर्ग, माधिका वर्ग, माधिका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, चालीस से पचास, चालीस से पचास। तो यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा चालीस और एन बाई टू बराबर हो जाएगा पैतालीस और छोटका एफ, छोटका एफ ई वाला और बड़का एफ ई वाला, ठीक है। तो छोटका एफ छब्बीस और बड़का एफ बीस और क्या आई, आई बराबर तीस से चालीस, चालीस से पचास, पचास से साठ, दस के अंतर है दस। अब लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला, लिख दे तो लिखिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई। अब क्या हो जाएगा यहाँ, एल, एल कितना है चालीस, चालीस जोड़ एन बाई टू पैतालीस, पैतालीस घटा बड़ा वाला एफ बीस, बीस छोटका एफ छब्बीस, छब्बीस गुना आई, आई कितना है दस, ठीक है। अब आगे यहाँ के बाद चालीस जोड़, चालीस जोड़ पैतालीस में से बीस गया तो पच्चीस, पैतालीस में से बीस गया तो पच्चीस और पच्चीस गुने दस यहाँ हो जाएगा पच्चीस गुना दस होगा ना, पैतालीस में से बीस गया पच्चीस, ऊपर दस है दस, नीचे छब्बीस, नीचे छब्बीस काट दीजिए, तेरह दूना छब्बीस पाँच दूना दस, तो यहाँ क्या हो जाएगा चालीस जोड़ पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस बट्टा तेरह, चालीस जोड़ एक सौ पच्चीस बट्टा तेरह यही आया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चालीस जोड़ एक सौ पच्चीस बटा तेरह यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, चालीस जोड़ एक सौ पच्चीस बटा तेरह, इतना को जब आप भागा दीजिएगा, इतना को जब आप भागा दीजिएगा तो आपको चालीस जोड़, चालीस जोड़ आपको आएगा चालीस जोड़ 9.61, 125 को जब आप 13 से भागा दीजिएगा तो 9.61 आएगा। इसका मतलब 49.46। अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, हेंस, हेंस माध्य, माध्यक, माध्यक बराबर 49.61, ये हमारा कौची हुआ आंसर, कुछ हुआ आंसर।
इस तरह से एक और खतरनाक क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से और भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक ना? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल माध्यिका निकालना है आपको। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 20 से 24। यही ठीक नहीं है तो आगे किस लिए देखें, ठीक है? तो यहाँ देखिए, 0 से 5, 5 के अंतराल है, 5 से 6, 1 के अंतराल है, 6 से 9, 3 के अंतराल है, 9 से 12, 3 के अंतराल है, 12 से 14, 2 के अंतराल है, 14 से 18, 4 के अंतराल है। मतलब कि इस सब उठपटांग हो गया है, उठपटांग यानी सब अपने में बिखर गया है, इधर उधर हो गया है। तो पहले तो इसको हम ठीक करेंगे, तो ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। देखिए तो ऐसा हम करें क्या कि अगर ये दोनों वर्ग अंतराल को, ये दोनों वर्ग अंतराल को एक में मिला देंगे तो नया वर्ग अंतराल, ठीक ना, न्यू वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखिए क्या कर रहे हैं, ई वाला वर्ग अंतराल, ई वाला ई, दोनों को एक में मिलाते हैं, दोनों को एक में, तो 0 से 6 लिख देंगे तो क्या गलती रहेगा? अरे मान लीजिए कि कहीं पर आपका खेत है 2 कट्ठा के, और कुछ दिन के बाद उसी खेत के बगल में आपने 3 कट्ठा खेत खरीद लिया, तो दोनों के एक में मिलाए में कोई हर्जा तो नहीं है, नहीं ना? तो अगर एकर ई वाला खेत और ई नए का खेत दोनों के एक में मिला देंगे तो 0 से 6 तक इसको हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी एक में मिला देंगे तो एकरा कौची लिख सकते हैं, 6 से 12 लिख देंगे। अगर यहू दोनों खेत के एक में मिला देंगे तो 12 से 18। अगर यही दोनों खेत के एक में मिला देंगे तो 18 से 24। अब देखिए तो मिलाने के बाद खेत कितना बढ़िया है, 0 से 6, 6 के अंतर है, 6 से 12, 6 के अंतर है, 12 से 18, 6 के अंतर है, 18 से 24, 6 के अंतर है। ये तो सही है, लेकिन अगर 6 पर ख़त्म हुआ है तो 6वें से शुरुआत भी होना चाहिए, 6 पर ख़त्म, 6 से शुरुआत, 12 पर ख़त्म, 12 से शुरुआत, 18 पर ख़त्म, 18 से शुरुआत। अरे बहुत अच्छा है, हमारा ये ठीक ठाक बन गया, सुधर गया, ठीक है। अब इसके बाद एकरा वेकरा ई वाला के अगर एकरा साथे मिलाए हैं तो एकर वाला बारंबारतावा और एकर वाला बारंबारता दोनों आपस में भी मिलेगा, तो आपस में जब मिलेगा तो फिर से न्यू बारंबारता बनेगा, बारंबारता फिर से न्यू बनेगा। तो अब की कौन चीज होगा, एहनी दोनों जुटेगा, एहनी दोनों जुटेगा, एहनी दोनों जुटेगा, एहनी दोनों जुटेगा, तो 3 और 2 5, 7 और 5 12, 16 और 12 28, कितना 28, 15 और 20 35। अब नया वाला, अब जो भी काम होगा हमारा नयकन पर काम होगा, नया वाला पर काम होगा। तो एकरा से हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें हमें एक संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है माध्यिका निकालने के लिए। तो एक कॉलम बना लेते हैं, किसका किसका, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता, बढ़ का एफ, अब ई कोची था छोट का एफ, छोट का एफ हो गया। अब देखिए पहला के तो जस का तस लिखते हैं, एकरा एकरा पास लाते हैं, जोड़ते हैं, लिखते हैं 12 5 17, इसको पास लाइए, जोड़िए, यहाँ लिखिए 8 7 15 की 5 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, एकरा एकरा पास लाएंगे, जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 4 और 3 7 1 8, तो का हमारे यहाँ पर सिग्मा एफ
यानी एन बराबर भी 80 आना चाहिए, तबे ना हम सोचेंगे कि सही है। 5 2 7 7 8 15 15 5 20 2 3 2 5 3 8 अरे वाह, यहाँ यहाँ दोनों बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, माध्यिका वर्ग फाइंड करना, और माध्यिका वर्ग फाइंड करने के लिए एन बाई टू। तो अतः माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एन बाई टू, एन बाई टू यानी 80/2, 80/2 जब करेंगे कितना आएगा 40, और इस 40 से अधिक को संचयी बारंबारता में जब खोजेंगे तो ई वाला हमारा मिलेगा। यही ना ज्यादे है, न कम न बराबर, हमेशा ज्यादे। तो अब क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा 12 से 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बराबर 12, एल बराबर 12, एन बाई टू बराबर 40, और छोटका एफ और बड़का एफ, छोटका एफ 28 और बड़का एफ बराबर 17, कितना 17 होगा ना एक पहले, और आई बराबर आई कितना हो जाएगा 0 से 6 6 से 12 12 से 18 6 के अंतर है 6। अब लिखिए क्या, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल एल 12 जो एन बाई टू 40 घटाओ बड़का एफ 17, छोटका एफ 28 गुना आई 6 होगा। अब देखिए इसके बाद 40 12 जोड़ 12 जोड़ 12 जोड़, 40 में से 17 गया, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 23 गुना 6/28 काट दीजिए, 3 2 6 14 2 28 मतलब कि 12 जोड़ 3 3 9 3 2 6 नीचे 14। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 12 जोड़ 69/14 इतना को आपको सोल्व करना है, इतना को आपको सोल्व करना है, मतलब 69/14 को जब आप भागा दीजिएगा तो आपको आएगा 4.92, 4.92। एकर मतलब कि 12 4 16.92 16.92। तो ये अभी आंसर नहीं हुआ, आपको यहाँ लिखना होगा क्या, हेंस माध्यिका या मीडियन बराबर 16.92 क्या आंसर, आंसर हमारा हो गया।